Hi students, today we see Elish Balbharti class 6, the peacock and the crane. Okay, so our topic name is the peacock and the crane. Okay, so what is peacock and what is crane? Sabne dekha hai peacock kya hai and crane kya hai? Crane kya hai? Bird hai. Okay, so pehle hum dekhenge hamara peacock. Okay. ये है हमारा पीकॉक. ओके, द पीकॉक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड्स इन द वर्ल्ड. टेक्निकली द नेम पीकॉक रेफर्स ओनली टू फीमेल पीकॉक इज कॉल्ड एज पीहेन. ओके, द पीकॉक वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ये क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है. ओके, जैसे कि हमें पता है पीकॉक क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है. बिकॉज ऑफ इट्स रिच रिलीजियस एंड लेजेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन ट्रेडिशंस. ओके, सो ये रहा हमारा पीकॉक. ओके, अभी आपको समझ में आया पीकॉक कैसा? अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, ये देखा हमने पीकॉक. अभी सेकंड क्या है हमारा? क्रेन. ओके, हम देखेंगे अभी क्रेन कैसा. ओके, ये है हमारा क्रेन. देखा आपने क्रेन किसे फ्लाई हो रहा है? क्रेन एक बर्ड है. क्या है? क्रेन एक बर्ड है. क्रेन्स और क्रेन्स आर टॉल वॉर्डिंग बर्ड्स, एलिब्रेट कोर्सिप डांसेस एंड वॉइसेस दैट बूम्स अक्रॉस देयर वेटलैंड हैबिट. ओके, टुडे 15 क्रेन स्पीसीज आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, एक्सेप्ट इन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. ये हमारा क्रेन जो क्या होता है? व्हाइट कलर का. उससे कलर होता है क्या? नो. जैसे हमने पीकॉक देखा वो क्या है? कलरफुल. तो जो क्रेन है वो क्या है? कलरलेस. तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन पीकॉक एंड द क्रेन, तो ये है कलर का डिफरेंस है. ओके, एंड दिखने में भी दोनों अलग ही है. ओके, ये हमारा क्रेन. जैसे कि हमने क्या देखा? हमारा पीकॉक एंड क्रेन देखा. ओके, समझ में आया सभी को क्या डिफरेंस है दोनों में? सो वी स्टार्ट अवर लेसन. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लेसन स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज वंस अ वेरी कॉन्शिएटेड पीकॉक हु हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो वन अदर बर्ड. एक बार एक बहुत क्या था? अभिमानी मोर था. अब यहाँ पे कॉन्शिएटेड मीन्स क्या है? अभिमानी. पीकॉक मोर मीन्स क्या था? एक अभिमानी मोर था. ओके, उसके पास क्या थी? एक खूबसूरत पूंछ थी. टेल मीन्स पूंछ एंड गॉर्जियस मीन्स क्या थी? खूबसूरत. एक नो अदर बर्ड्स मीन्स किसी भी अन्य पक्षी के पास वो नहीं थी. ओके, सो इसलिए ही मेड अ क्रेन वन डे. वो एक बार किससे मिला? एक सारस से मिला. तो यहाँ पे क्रेन है. क्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? सारस. एक बार पीकॉक को कौन मिला? क्रेन मिला, सारस मिला. द पीकॉक स्कॉप एट क्रेन्स कलरलेस एंड डल फीदर्स एंड इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर. जब वो पीकॉक क्रेन से मिला, सारस से मिला, तो क्या हुआ? तो मोर ने सारस की जो रंगहीन जो कलरलेस है, क्योंकि क्रेन को कलर नहीं था, तो उसको क्या करा था? जो डलने से उसका तो उसके पंख थे वो भी क्या थे? डल थे. तो क्या करा था? उसका मजाक उड़ा रहा था. यहाँ पे स्कोप जो है वर्ड SCOFFED, स्कोप मीन्स मजाक उड़ाना. कलरलेस मीन्स रंगहीन, जिसको कलर ही ना हो. ओके, डल मीन्स एकदम, जैसे बोलते ना कि एकदम क्या है? निष्प्रम. क्या उस क्या थी? उसकी फीदर्स थी. और उसने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया, स्कॉफ किया. पीकॉक ने क्रेन का क्या किया? मजाक उड़ाया. और सारस को देखने के बाद उसने क्या किया? खुद की प्रशंसा जो है, खुद की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया. उसने क्या किया? अपनी जो कलरफुल टेल है, पूछे, उसको क्या किया? क्या किया? उसको फैलाया. ओके, क्या किया? उसको फैला दिया. कलरफुल टेल मीन्स उसकी जो
कलरफुल कैथी पूछती और ट्रेन को क्या करने लगा, वो चिल्लाने लगा कि मैं कितना क्या हूँ, ब्यूटीफुल हूँ. ओके अंडरस्टैंड, वेरी गुड. लुक एट माय फीदर्स, मेरी पंख के तरफ, मेरी जो पंख है उसके तरफ देखो. शी बोस्टेड, उसने घमंड में कहा. अभी यहाँ पे जो बोस्टेड करने में क्या है, घमंड. ओके और फीदर्स में से जो क्या थे, पंख थे. ओके हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, कि वो जो जैसे इंद्रधनुष है उनकी तरह वो क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं. शाइन मींस क्या करना, चमकना. रेनबो मींस इंद्रधनुष, जैसे इंद्रधनुष क्या है कलर से, वैसे ही मेरे क्या है फीदर्स है जो क्या है शाइन करते हैं, देखो मेरी तरफ. वो खुद की क्या कर रहा था, घमंड में बातें कर रहा था पीकॉक. ओके व्हाइल यूअर्स आर सो पेल, उसके वो दिखने में क्या था, फीका था. उसको कलर था क्या, नहीं. आई एम ड्रेस लाइक अ किंग, मैं एक राजा की तरह सज गया हूँ. और तुम देखो, तुम तो कितने फीके लग रहे हो, ऐसा किसने बोला, पीकॉक ने क्रेन को बोला. ओके दैट इज ट्रू, द क्रेन आंसर्ड. सारस ने बोला, क्रेन ने क्या बोला कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ठीक सही है. बट आई कैन फ्लाई हाई अबव अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी. अभी उसने बोला कि मैं आसमान में क्या करता हूँ, फ्लाई कर सकता हूँ. तुम कर सकते हो क्या, मैं तो जब आसमान में उड़ता हूँ तो मैं मेरे साथ मुझे बादल के साथ में उड़ता हूँ, स्टार्स दिखते हैं मुझे, और एक स्पेशल जो है मुझे क्या दिखता है, अपना जो अर्थ है वो क्या दिखता है, ऊपर से ब्यूटीफुल दिखता है. ओके व्हाइल यू लिव डाउन हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक, जब तुम किसी मुर्गे की तरह यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ पे नीचे ही क्या करते हो, दिखते हो मुझे, तुम तो फ्लाई नहीं कर सकते हो. ओके अभी यहाँ पे कॉक जो है वो है मुर्गा. ओके ये हो गया मुर्गे, मीन्स तुम मुर्गे की तरह क्या हो, हमेशा नीचे ही दिखते हो मुझे. फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, मीन्स आपकी जो आकर्षक क्या है, आपकी फीदर से पंख है, बट आप एक अच्छे महत्वपूर्ण बर्ड नहीं हो, आप क्या हो एक इम्पोर्टेंट बर्ड नहीं हो, जैसे कि मैं हूँ एक बर्ड जो फ्लाई करता है. ओके जो खूबियां है बर्ड की वो मेरी नहीं है. ओके मीन्स यहाँ पे जो पीकॉक का घमंड है वो क्या हो गया, चकनाचूर हो गया. उसको लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है कि ये एक असली बर्ड है, मैं तो क्या हूँ बस ओनली, मैं दिखने में अच्छा हूँ बट मैं एक रियल बर्ड नहीं हूँ. अभी जो रियल बर्ड है वो कौन है, हमारा क्रेन. तो अभी आपको समझ में आया कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. सो पीकॉक एंड क्रेन में से कौन सबसे अच्छा है, सबसे सच्चा है हमारा क्रेन. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द प्राउड पीकॉक मींस घमंडी मोर. तो क्या है, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए. ओके आपके पास जितना हो उतने में आपको हमेशा खुश रहना चाहिए. ओके सो दिस इज अवर लेसन द पीकॉक एंड द क्रेन. ओके आई होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.